नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनीपत में 24 घंटे में तीसरा गोलीकांड। जी हां, ये बड़ी खबर। पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या। घरेलू कलह के चलते पत्नी और पर चलाई है गोली। भाई के घर आई पत्नी को उतारा मौत के घाट। कुंडली थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो भाई के घर आई पत्नी को उतारा है मौत के घाट, ये बड़ी खबर। अहम जानकारी, कुंडली थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में फिलहाल जुटी हुई है। ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि सोनीपत में 24 घंटे में तीसरा गोलीकांड है। ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या। घरेलू कलह के चलते पत्नी पर चलाई है गोली। जी हाँ, ये बड़ी खबर। अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। भाई के घर आई पत्नी को उतारा मौत के घाट। कुंडली थाना पुलिस मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जो है वो जुटी हुई है। और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे कि तीन गोलीकांड से दहला है प्रदेश और घरेलू कलह के चलते पत्नी पर गोली चलाई गई है। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भाई के घर आई पत्नी को उतारा है मौत के घाट। ऐसे में कुंडली थाना पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। ये बड़ी खबर है, हम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सोनीपत में 24 घंटे में तीसरा गोलीकांड है ये। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सन्नी मलिक जुड़े हुए हैं। सन्नी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि प्रदेश में तीन वारदातें हुई हैं, गोलीकांड हुआ है और कहीं ना कहीं प्रदेश में कहीं ना कहीं खौफ का जो माहौल है वो भी देखा जा रहा है। जी देखिए सचिन, जो प्रदेश के साथ साथ सोनीपत की बात करें, सबसे बड़ी बात यह है सोनीपत में 24 घंटे के अंदर तीन गोलीकांड है वो हो चुके हैं। और सोनीपत पुलिस है वो उपकरण के नींद सोए हुए हैं। कल रात पहले तो गैंगवार में गोलियां चली, तीन युवकों को गोलियां लगी और उसके बाद एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। और आज सुबह एक बड़ी और खबर हमारे पास आ रही थी कि गोहाना में दो छात्राओं पर गोलियां चलाई गई हैं। तो हालांकि जो ये वारदात है जिसकी हम अभी खबर चला रहे हैं, इसमें एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, ये घरेलू कलह था कि जमीन का विवाद था, तो उस पूरे विवाद में ये गोलीकांड हुआ है। और जो पत्नी है सरिता, उसकी मौत हो चुकी है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के समान स्थल में भिजवा दिया। उसके अलावा सचिन, हम बात करें सोनीपत जिले के बढ़ते हुए अपराध की, तो सोनीपत जिला प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी हैं वो उपकरण की नींद सोए हुए हैं और केवल ये रटाया जवाब देते कि हम अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा अपराधी है वो अभी तक सोनीपत पुलिस। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें सनी मलिक, तो देखिए प्रदेश में एक तरफ लगातार जब गोलीकांड का सिलसिला बढ़ा है, ऐसे में एक सवाल ये भी बड़ा खड़ा होता है कि आखिर जो हथियार है उनकी सप्लाई कौन कर रहा है, ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं। जी सचिन, सबसे बड़ी बात यह है कि हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश से लगते हुए इलाकों की बात करें, केवल जो अधिकारी हैं, चाहे हरियाणा पुलिस के अधिकारी हों या फिर सोनीपत पुलिस के अधिकारी हों, वो बस यही बात मीडिया के सामने रख देते हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हथियार आते हैं। लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हथियार कहाँ से आते हैं, कौन ये हथियार यहाँ तक सप्लाई करता है, कौन बदमाश यहाँ हथियार सप्लाई लेकर आता है, उन तक सोनीपत पुलिस है फिर हरियाणा पुलिस है वो नहीं पहुंच पाती है। और हथियारों का जो अवैध हथियारों का जो जखीरा है वो दिल्ली एनसीआर खासकर सोनीपत रोहतक झज्जर में आता है रहता है। और हालांकि एक दो बार सोनीपत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई भी की थी, लेकिन उसके बावजूद अवैध हथियारों का उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आना बदसूरत जारी है। हरियाणा में जी सचिन, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।